दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर के नेस्तनाबूद कर देने के बाद उसका असर रेवाड़ी में भी देखने को मिला। आज हुआ रेवाड़ी में जोरदार प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी, राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। प्रदर्शन को देखते हुए जिला सचिवालय पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर देंगे धरना, लिया गया फैसला। सभी को मालूम है कि तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर संत रविदास जी की 600 साल पुराना मंदिर को इस सरकार के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पर संत रविदास जी ने जब अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वो पूरे हिंदुस्तान में निकले थे तो तुगलकाबाद के अंदर गुरुजी महाराज ने वहाँ विश्राम किया था। उस जगह हमारे दलित समाज के लोगों ने, संत रविदास जी के अनुयायियों ने वहाँ पे एक मंदिर बनाया था और इस सरकार ने बिना सोचे समझे उसको ध्वस्त कर दिया और कहते हैं कि रजिस्ट्री नहीं इनके पास में। मैं पूछना चाहता हूँ कि राम जन्मभूमि राम मंदिर बनाने जा रहे हो, क्या आपके पास में रजिस्ट्री है क्या? वहाँ की कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं है। और उस समय जिस समय बाबा संत रविदास जी का मंदिर बनाया तो उस समय तो DDA का जन्म भी नहीं हुआ था जी। तो इसलिए पूरा आक्रोश यही नहीं है हिंदुस्तान में, पूरे विदेशों में भी जन आक्रोश फैल रहा है और 21 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर धरना दिया जा रहा है। हम हजारों की तादाद में यहाँ रेवाड़ी से प्रस्थान करेंगे दिल्ली के लिए और ईंट से ईंट बजा के रहेंगे जब तक कि, और ये नए गांव के अंदर अभी देखिए 15 अगस्त को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया। ये लोग अन्याय करते आ रहे हैं तो हम ये अन्याय सहन नहीं करेंगे। आगे भी चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं तो इसमें है ना, ये लोग समझदार हैं, इनको कहने की जरूरत ही नहीं है जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर वहाँ भी ध्वस्त किया गया मूर्तियों को जी। बताए देखिए, इससे आप सब भी वाकिफ हैं और सभी लोग जानते हैं कि जो 600 साल पुराना बाबा रविदास का मंदिर था दिल्ली में तुगलकाबाद में, उसको अननेसेसरी जबकि तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी उसको तोड़ दिया गया है। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछते हैं कि पहले जो मंदिर बने हुए हैं दिल्ली की जमीन पे, क्या वो सारे ही सरकारी जमीन पे नहीं बने हुए हैं? अगर नहीं बने हुए हैं तो सरकार उसका आंकड़ा उठा के देखे। हमारा विश्वास है, हमें मालूम है कि 95% मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, उसके बावजूद भी फिर रविदास मंदिर पे ही आक्रमण करना, उसको तोड़ना और दलित समाज को भड़काना, मुझे लग रहा है ये सभी सोची समझी एक साजिश है।